मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार पर पिछले 24 दिनों से काम बंद पर अपनी मांगों जो कि 15 वर्षों से लंबित है, जिसकी सुध राज्य सरकार नहीं ले रही है, कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अब हम सरकार को चेता रहे हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम अपने परिवार के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे। आज विगत 24 दिन से हम लोग यहाँ धरना स्थल पर हैं। हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसमें प्रमुख मांग कर्मचारी वेतन मान है। मध्य प्रदेश शासन से महासंघ के आह्वान पर आज हमारा यहाँ 1100 कर्मचारी बैठा हुआ है। आज 24वां दिन है, मन इतना व्यथित हो गया कि घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चा सहकारी समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो आंदोलन चल रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में चालू है। इसमें विक्रेता, ऑपरेटर, सहायक प्रबंधक, प्रभारी प्रबंधक, चपरासी, चौकीदार सभी लोग इसमें शामिल हैं और ये निरंतर आज 24वां दिन है लगातार इसको चलते हुए। मध्य प्रदेश शासन से हमारी एक ही मांग है। बिल्कुल सर, बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे, सारा परिवार आएगा। हम लोगों का 6000 में थोड़ा राशन होता है किसी के घर का। अच्छे से कोई खाना खाए यदि घर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएं, उस घर के किराना नहीं आएगा 6000 रुपए, 8000 रुपए। हमारी मांग पूरी करो, हमारे पापा की मांग करो। कौन है आपके पापा? निरंजन सिंह चौहान। 24 दिन से हम लोग हड़ताल पे है, हमारे वेतन मांग की हड़ताल पे वेतन मांग के लिए है। आज तक हमारी वेतन मांग नहीं मानी गई है। हमारी वेतन मांग जब तक नहीं, 3 सूत्री मांग है। हम लोग कलेक्टर के सामने धरने स्थल।